महल जमींदोज हैं और अब महल से जुड़ी जो भी विरासत बची हुई है उस पर वक्त की रेत जम गई है। साम्राज्य की कहानी अब अभावों से जोड़कर बताई जाती है। राजघराने का दौलत दफन है, विरासत अब इतिहास का पन्ना बन गया है और इतिहास के इस पन्ने में झारखंड के इस राजघराने की बड़ी रोचक कहानी दर्ज है कि कैसे एक राजा बाघ बन जाता था, कि कैसे राजा के पास दुनिया की पूरी दौलत थी लेकिन वो अकेला पड़ गया था। पहाड़ों की तलहटी में ये खंडहर बीरू रियासत के जर्रे जर्रे की कहानी बता रहा है। सिमडेगा का बीरूगढ़ राजा कुंगादेव एक बाघ राजा भी। रात होते ही राजा कुंगादेव बाघ बन जाया करते थे। बाघ बन जाने के बाद स्वभाव भी बाघों वाला ही। रानी का गर्दन ही अपने पंजों से अलग कर दिया था राजा कुंगादेव ने। इंसान के बाघ बनने की कहानी से लेकर जमींदोज महल में दफन दौलत की गवाही भी इनके वंशज देते आए हैं। लोग उड़ीसा पूरी गजपति परिवार के हैं, वहाँ के महाराजा के वंशज हैं हम लोग, और वहीं से वहाँ कपिलेंद्र देव जो थे उन्हीं के बेटा इस साइड में आए और संबलपुर राजा के यहाँ उनका संबंध हुआ, शादी हुआ, और संबलपुर में 12 वर्ष रहने के बाद वहाँ से फिर झारखंड की ओर आए और फिर झारखंड में बोलबा एक प्रखंड है, वहाँ पर बलसेरा एक जगह है, वहीं पर वो अपना घर बना के वहाँ पर रहने लगे। और उसके बाद उनको मालूम चला कि यहाँ पर ये जो एरिया है रातू महाराजा का है, उस समय उनकी राजधानी लोहरदगा में थी और चुटिया नागपुर बोला जाता था, तो वो सोचे कि महाराजा से मिल के हम लोग कुछ ज़मीन वगैरह मांगेंगे। तो वहाँ से दो तीन जगह वो रहे ये बलसेरा से, वहाँ से फिर वो उड़ते आए, उड़ते के बाद गिनेकेरा आए, गिनेकेरा के बाद इधर केसरपुर की ओर रामरेखा की ओर आए, पता चला कि वहाँ भी एक दूसरा राजा रहते हैं, वहाँ पर रानी थी, उनको परास्त करके वहाँ केसरपुर को भी उन्होंने अपना अधीनता लिया। और वहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए बीरू से आगे एक टाभाडी एक जगह है, टाभाडी में अपना एक घर बनाए और वहीं पर वहीं से वो गए रातू महाराजा के यहाँ, जहाँ पर उन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद में एक अपने साथ हीरा ले गए थे जिसको बाकुंडा हीरा बोलते हैं, उनको उन्होंने प्रेजेंट किया और उस बाकुंडा हीरा के एवज में, क्योंकि यहाँ के राजा आपका कोरंगादेव नावल्द हो गए थे, इसलिए उन्होंने ये स्टेट को बीरू राजा को दिए और इस तरह से इसका इतिहास है। बीरूगढ़ के महल का प्रवेश द्वार आज भी महल की गवाही दे रहा है। प्राचीन पत्थरों से बनी दीवार और चौखट उच्च श्रेणी की वास्तुशिल्प से रूबरू कराती है। पत्थरों पर उकेरी गई मां लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा सनातन का सबूत है। प्रकृति के खौफ को भी बीरूगढ़ ने झेला। भूकंप में महल जरूर जमींदोज हो गया लेकिन राजा कुंगादेव के महल का कुछ हिस्सा पूरी दुनिया को बताने के लिए जिंदा रह गया। सैकड़ों साल पहले जो 7 तल्ले का महल हुआ करता था वो अब जमींदोज है, खंडहर बना, लेकिन दुनिया के सामने अपनी गवाही देने के लिए खड़ा रहा।
गंगा देव को बाघ राजा बोला जाता था। आज भी चूंकि उन्हीं से हम लोगों को यहाँ पर गद्दी प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग उनको अपने आराध्य देव मानते हैं। और जब भी पूजा पाठ होता है तो उनका नामकरण के बाद ही यहाँ पर पूजा हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरह से। चूंकि ये कहा जाता था कि वो रात में बाघ बन जाते थे। बीरुगढ़ में अब गंगराज वंश के वंशज रहते हैं। गंगराज वंश यानी पूरी गजपति महाराज के वंशज 1326 में गोंगादेव से रातू महाराज ने बीरुगढ़ की रियासत को गंग वंश को सौंपा था। इस वंश के राजकुमार दुर्ग विजय सिंह देव जमींदोज महल की सरकारी उपेक्षा से नाराज हैं। युवराज का दावा है कि गोंगादेव के जमींदोज महल में बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। युवराज का दावा है कि जमींदोज महल के अंदर समृद्ध खजाने का इतिहास छिपा हुआ है। गंगा देव वो धार्मिक व्यक्ति थे। यहाँ से सुबह सुबह वो अपना घोड़ा पे जाते थे करंगागुड़ी, उन्हीं के नाम से करंगागुड़ी पड़ा गंगा देव के नाम से। अब वहाँ पर पहला पूजा करके फिर से आ जाते थे अपने स्टेट में। ये वहाँ का इतिहास है। और सतघरवा का क्या इतिहास है? सतघरवा में वो रहते थे। सतघरवा एक्चुअली जमीन के नीचे 7 घर है, और वहाँ से कहा जाता है कि नीचे नीचे उन्होंने सुरंग बनाया था। एक सुरंग तो वहाँ पर बनदेवी है, बनदेवी के नीचे से सुरंग से निकलते थे। मान लीजिए कोई अटैक होता था उनके ऊपर में, बाहर बाहरी अटैक, तो वो सुरंग के माध्यम से बाहर जंगल में निकल सकते थे। उसके बाद एक सुरंग बीरू पहाड़ से होके उस साइड में निकला है, जो कि कहा जाता है कि पालकोट निकल गया है। पालकोट यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर है, जस्ट पहाड़ पार करेंगे उसके बाद वहाँ पालकोट का क्षेत्र आ जाता है। और एक सुरंग यहाँ से कहा जाता है कि रामरेखा चला जाता है, इस हिसाब से 3 सुरंग कहा जाता है। ये सिमडेगा के राजघराने का इतिहास है। राजघराने की कहानियां प्राचीन इतिहास से रूबरू तो कराती ही है, साथ ही साथ ये समृद्ध विरासत की कहानी भी बताती है। सिमडेगा मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर रांची सिमडेगा पथ पर पहाड़ की तलहटी में बसा बेरू रियासत 500 साल पुराना है, लेकिन जिंदा है, संरक्षण मांग रहा है। दुनिया के सामने बीरू राजवंश की कहानी बताने के लिए संरक्षण मांग रहा है। सतघरवा के बारे में हमारी दादी जो लावण्य कुमारी देवी थी, जो बलांगीर महाराजा की बेटी थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि 1937 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। हम लोग 3 घर वहाँ पर जाते थे, और दादाजी के साथ में, चाहे उनके ससुर के साथ में, वो लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते थे। जब भी शादी हुआ था उस समय, तो कहा जाता है कि 3 रूम तक वो गई हैं। और पहला रूम में दक्षिण की ओर एक अष्ट धातु का मूर्ति है दुर्गा जी का, और एक तोप रखा हुआ है जो कि लोग पूजा करते थे। 1937 में ध्वस्त होके और दरवाज़ा बंद हो गया, उस समय से आज ऐसे ही स्थिति में है। ये इसका इतिहास है। लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। अभी भी सामने में मूर्ति है जो अंदर घुसते हैं वाला। और हमने यहाँ के उपायुक्त से और एक बार ये ऊपर के भी पदाधिकारियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, वो लोग भी आके देखे थे। और लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन इस पर इसको निकालने में पहल नहीं किया है। खनिज संपदा से भरपूर झारखंड अपनी रियासत राजघराने की कहानी समेटे हुए है। सिमडेगा के बीरूगढ़ रियासत इसी समृद्ध रियासत की गाथा है। जरूरत बस ये है कि संरक्षण और खोज के अभाव में जो विलुप्त हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इतिहास राजा कोंगदेव के जमींदोज महल तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। वो चाहता है बीरूगढ़ रियासत की समृद्ध इतिहास के पन्ने में भी दर्ज हो। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।